मटन बेचने वाली सास बहू निकली चोर। लाजवंती और सुरूपा नाम की बेहद ही लालची किस्म की सास बहू मटन बेचने का व्यापार करती थी। बहू जल्दी जल्दी हाथ चला, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। सुरूपा हाथों में धारदार औजार लिए मटन के छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी, तभी मंगलू मटन की दुकान पर आता है। अरे लाजवंती काकी, जल्दी से 2 किलो मटन तौल देना। जरा अपनी जेब तो टटोल, 2 किलो मटन की कीमत जानता भी है? और दिन तो तुम पाव भर मटन खरीदती थी, आज घर में कोई दावत है क्या? अरे आज मेरी मुनिया का जन्मदिन का अवसर है और उसको मटन बिरयानी खाना बहुत पसंद है। चालाक लाजवंती अपनी बहू को इशारा करके कहती है, बहुरिया मैं इसको बातों में उलझाती हूँ, उतने में तू हाथ साफ कर दे। पलक झपकते ही सुरूपा तराजू के नीचे चुंबक लगाकर कम वजन के साथ मटन तोलकर मंगलू को थमा देती है। ये लो मंगलू, तुम्हारा 2 किलो मटन। मंगलू मटन की थैली लेकर चल पड़ता है, तभी लालची सास बहू जोरदार ठहाके मारकर कहती है, अरे बहू ये तो एकदम मूर्ख चंद निकला, क्या सही चूना लगाया हम दोनों ने मिलकर इसे। इसे तो भनक भी नहीं होगी सासू माँ कि मटन 2 किलो नहीं बल्कि मात्र 1.5 किलो है। आखिर ये हेरा फेरी करके ही तो हम और ज्यादा मुनाफा कमा पाते हैं। मंगलू जैसे ही आधे रास्ते पहुंचता है उसे मटन का भार कम जान पड़ता है, फिर वो वापस मटन की दुकान पर आकर कहता है, अरे लाजवंती काकी ये 2 किलो मटन तो लग नहीं रहा है, कहीं आपने भूल चूक से मटन कम तो नहीं तोल दिया? बिल्कुल भी नहीं, हमारा तराजू एकदम पक्का तोलता है, ना 1 ग्राम कम ना ज्यादा। हे बचवा, मटन की कटाई छटाई में कुछ हिस्सा कूड़े में ढेर में जाता है, और कोई बात नहीं तेरे खातर 1 कलेजा ज्यादा सही, ले जा अब खुश है तू। चालाक लाजवंती चोरी पकड़ी जाने के डर से मंगलू को कलेजी के टुकड़े का लालच देकर बात संभाल लेती है। सासुमा इतनी ईमानदारी दिखाने को किसने कहा था आपको? अरे मंदबुद्धि, अगर बकरे के 1 कलेजे से हमारा भेद खुलने से बच गया तो इससे बड़ा मुनाफा कुछ नहीं। अगर हमारी चोरी पकड़ी गई ना तो मटन बेचने का धंधा एकदम चौपट हो जाएगा। दोनों सास बहू देर शाम तक जोर शोर से आवाज लगाती हुई मटन की बिक्री करती हैं। मटन ले लो, मटन ताजा ताजा, लाल लाल गोश्त से भरा एकदम सस्ता ताजा मटन ले लो। आज के खातिर मटन की इतनी बिक्री बहुत है, घर चलकर बचे हुए ये मटन बनाकर दोनों सास बहू मिल बांटकर चाव से खाएंगे। दोनों सास बहू बचा खुचा मटन का ठेला लिए घर आ जाती हैं और खाना पकाकर खाती हैं। अरे बहू आज के मटन का मांस तो बड़ा ही नाजुक और मजेदार है। आखिर माँ जी हम अपने पेट के लिए तो मटन की हेरा फेरी करते हैं ताकि सब्जी का दाम बच सके। ये तो वही मिसाल हो गई आम के आम गुठलियों के दाम। वैसे बेमानी हम एकदम खरी करते हैं। अगली सुबह सास बहू मुर्गे की बांग के साथ तड़के सवेरे उठकर ठेला लिए कसाई के यहाँ पहुँच जाती हैं। अरे ओ जमाल जल्दी से आधा दर्जन बकरे खूंटे से खोल कर ले आओ। क्या बात है लाजवंती, आज सास बहू की टोली बड़े सवेरे दस्तक देने आ गई। खाली फोकट में बातों में ना उलझा, दुकान जाने का समय हो गया है। हाँ फिर इन बकरों को हलाल भी तो करना होगा। दोनों सास बहू बकरों से भरा ठेला लिए अड्डे पर आकर मटन तैयार करने लगती हैं। बहू वो देख गांव की झुमरी झूमती हुई चली आ रही है। सासू माँ इसे तो आज तगड़ा वाला चूना लगाना बनता है। अरे ओ लाजवंती भौजाई जल्दी से हमका 5 किलो मटन तोल दो, और हाँ एकदम ताजा लाल और चुनिंदा पीस डालना जो हड्डी से भरे हो, और कलेजा डालना तो मत भूलना, काहे कि वो हमरे सजनवा को मटन मांस सबसे ज्यादा भावत है। सासू माँ कितना काटू? 1.5 किलो वजन मार दे, इस बिन पेंदी के लोटे को कुछ नहीं पता चलेगा। अरे आप दोनों सास बतोहू का खुसर खुसर करे थो। दोनों एक पतला दुबला बकरा काट कर उसका मटन तैयार कर देती है। सासुमा ये कल का बासी मटन बचा हुआ है, सवेरे से मेरे ध्यान पर से ही उतर गया था, अब इसका क्या करें? इस बासी मटन को इस ताजे मटन के बीच में फेंट डाल, वरना रात तक ये मटन एकदम सड़ जाएगा, खामा खा भारी नुकसान होगा।
चालाक सास बहू न सिर्फ कम मटन तोलती हैं, बल्कि नुकसान से बचने के लिए खराब मटन भी तोलकर झुमरी को थमा देती हैं। देखा बहू, तेरी सास का दिमाग कितना तेज निकला। कूड़े खत्ते में जाने वाले मटन को बेचकर भी नोट बटोर डाले। मक्कार बेईमान सास बहू हर दिन कम नाप तोल करके मटन खरीदने वाले लोगों के साथ हीरा फेरी करके उन्हें बेवकूफ बनाती थी। एक रोज सरपंच के यहाँ काम करने वाला भीमा आकर कहता है, अरे सरपंच जी के घर कल उनकी बेटी की शादी का बड़ा जश्न है, इसलिए उन्होंने तड़के सवेरे 50 किलो मटन मंगाया है। दोनों लालची सास बहू बड़ा ऑर्डर सुनकर खुशी से उछल पड़ती हैं। सास माँ, कल तो अपनी लॉटरी लग जाएगी, लंबा हाथ मारने को जो मिला है। बहू, कल तो आधा आधा मटन की चोरी बनती ही है। लेकिन अगर हमारा भेद खुल गया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मटन बनाने की जिम्मेदारी रसोइये महाराज की है, तो मटन की हेरा फेरी का दोष भी उसी के सर पड़ेगा। दोनों सास बहू सवेरे उठकर जमाल कसाई से 2 दर्जन हट्टे कट्टे चर्बीले बकरे खरीद कर उनका मटन तैयार करके महाराज के हाथों में सौंप आती है। महाराज मटन तैयार करते हैं, लेकिन शादी में मटन कम पड़ने पर छत्रपति उसकी खिल्ली उड़ाकर कहता है, राम राम, कितनी शर्मिंदगी की बात है, शादी में आए आधे बरातियों को भूखा ही लौटना पड़ेगा। सरपंच के घर मटन की खपत जो कम पड़ गई। अरे सरपंच काका, इतना धन बचाकर कहाँ ले जाओगे, जो गांव देहात को भरपेट मटन तो क्या, बल्कि एक मांस का टुकड़ा भी नसीब न हुआ। शादी में आए तमाम लोग सरपंच की तफरी उड़ाकर चलते बनते हैं। अगले सवेरे सरपंच के गुस्से का गुबार भीमा पर फूटता है। क्यों रे भीमा, तुझे पैसे ही चाहिए तो मुझसे काहे नहीं मांगा, ये मटन में हेरा फेरी करके तूने मेरी नाक नीची कर डाली। अरे हुजूर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, अरे मैंने आपका नमक खाया है, मैं भला आपसे गद्दारी क्यों करूंगा। क्या, अगर ये सब तूने नहीं किया तो किसने किया होगा, इसका पता लगाना होगा। हो सकता है ये सब उस नमक हराम रसोइये का काम हो, सामने लाओ उस नमक हराम को। डरा सहमा रसोइया सरपंच के सामने पेश होता है। नाम महाराज और काम चोर चकारों वाले, 50 किलो मटन 25 बरातियों में कैसे कम पड़ गया। महाराज सच बोल, किसके हाथ बेचा तूने मटन का टुकड़ा। सरकार, मैं गरीब हूँ, बेईमान नहीं, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि वो 50 किलो मटन नहीं था। अरे 50 किलो मटन में तो सैकड़ों बराती पेट भरकर एकदम टन हो जाते हैं। महाराज की बात सुनकर सरपंच का शक मीट बेचने वाली सास बहू पर जाता है और सरपंच कहता है, इसका मतलब ये चालाक लोमड़ी सास बहू ने गद्दारी की, लेकर आओ इन्हें। मटन चोर सास बहू सरपंच के आगे हाजिर होती है। क्योरी, शेर की खाल पहने भेड़िया, मटन चोरी करके कितना नोट बटोर लिया तुमने। सरपंच जी, आप हमें शक के दायरे में लाकर गलत कर रहे हैं। सरकार, सालों से हम सास बहू मटन बेचने का व्यापार खरी ईमानदारी से कर रही हैं, हम चोरी क्यों करेंगी। अरे बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू, सच सच बताओ कब से ग्राहकों को लूट रही हो, वरना मैं तुम्हारा ये मटन बेचने का धंधा हमेशा की खातिर बंद करके तुम्हें गांव से निष्कासित कर दूंगा। सरपंच की धमकी सुनकर मटन चोर सास बहू अपना सारा सच बताने के लिए तैयार हो जाती है और स्वरूपा कहती है, नहीं सरपंच जी ठहरिए, हमने ही पूरे पैसे लेकर आपको आधा मटन दिया था, हम लालच में आ गई थी। सरकार, हमको माफ कर दीजिए, आगे से हम ये हेरा फेरी फिर कभी नहीं करेंगे। इस बार तो मैं तुम्हें औरत जात समझकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब अगर ये लूट मार दोहराई तो धोखाधड़ी में सीधे पुलिस के हवाले करूँगा। कहते हैं ना, ज्यादा लालच बुरी बला है। मटन बेचने वाली सास बहू के बढ़ते लालच के चलते न सिर्फ सभी के सामने उसकी इज्जत उछलती है, बल्कि लोगों का भरोसा भी उन पर से हट जाता है, जिसके लिए अंत में लालची सास बहू को अपने किए पर काफी पछतावा होता है। 3 जादुई सोने की दाढ़ी वाले भाई। भीमपुर गांव में रहने वाला धनीराम पत्नी कविता और 2 भाइयों सोहन और मोहन के साथ रहता था। पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वो लोगों की हजामत बनाने का काम करता था। रोज रात की तरह आज जब वो घर आता है तो उसकी पत्नी कविता उसे कहती है, आ गए आप, ये लीजिए पानी पीजिए, कैसी चली आज की दुकान। पूछो मत कविता, आज तो बुरा हाल था, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। पर वो क्यों भला। जानती नहीं हो क्या, हमारे गांव में कितनी मान्यताएं हैं, आधे से ज्यादा लोग वीरवार और मंगलवार को हजामत नहीं बनवाते, इसलिए आज दुकान पर इक्के दुक्के लोग ही आए थे। जब इस नाई की दुकान से आपका कुछ नहीं हो पा रहा तो छोड़ क्यों नहीं देते इसे। पर लोगों के दाढ़ी बाल काटने के सिवा मुझे कोई दूसरा काम आता भी तो नहीं।
तो फिर आप सोहन और मोहन की भी नाई की दुकान खुलवा दीजिए, उससे दो पैसे तो ज्यादा आएंगे। सही कह रही हो तुम, मैं कल ही लाला से कुछ पैसे उधार लेकर इन दोनों की भी नाई की दुकान खुलवा देता हूँ। अगले ही दिन धनीराम गांव में रहने वाले लाला से पैसे उधार लेकर अपने दोनों भाइयों की नाई की दुकान खुलवा देता है। जब शाम को वो तीनों घर आते हैं तब सोहन कहता है, अरे भाभी एक गिलास ठंडा पानी पिलाना जरा। कविता तीनों के लिए गिलास में पानी लेकर आती है और कहती है, कैसा रहा आज का पहला दिन? एकदम घिसा पिटा दिन था, मुझसे ये नाई का काम नहीं होगा। मेहनत से लोगों की हजामत बनाकर भी कुछ खास पैसे भी नहीं मिलते। अरे तुम लोगों की दाढ़ी काट कर आ रहे हो, किसी की सोने की उगी फसल नहीं काट कर आ रहे हो जो एक ही दिन में नोट बरस पड़ेंगे। नए काम और दुकान को जमाने में वक्त लगता है। कविता के कहने पर वो लगातार नाई का काम करते हैं, पर कई दिन बीतने के बाद भी उन्हें नाई की दुकान से कुछ खास मुनाफा नहीं हो पाता, जिसके कारण एक रोज दोनों गुस्से में घर आकर पैर पटकते हुए कहते हैं, बस मुझसे ये नाई का काम अब और नहीं होता। हाँ, मुझसे भी लोगों के दाढ़ी बालों की कटापिटी अब और नहीं होती। अरे ना मुरादो, हम लोग हजाम हैं, लोगों के दाढ़ी बाल काटना हमारा पेशा और रोजगार दोनों है। नाई के काम को लेकर तीनों भाइयों में बहस होने लगती है, तभी सोहन कहता है, क्या सोचकर पिताजी ने आपका नाम धनी राम रखा? धन के नाम पर ये टूटी फूटी झोपड़ी और ये घिसी पिटी जिंदगी है बस। अरे धनी राम नहीं, फटे राम है। भाइयों की ऐसी बातें धनी राम के दिल पर गहरी चोट देती हैं और वो उदास होकर सो जाता है। अगले दिन वो सुबह उठकर खेतों की सैर के लिए निकल जाता है। चलते चलते वो एक गेहूं की सुनहरी फसल के पास आकर रुक जाता है, जो कटाई होने को थी। उसे देखकर वो उदास मन से बोल पड़ता है, काश कि इस सुनहरी फसल की तरह ही मेरी दाढ़ी भी सोने की होती, जो मेरे कहते ही अलादीन के चिराग की तरह मेरी जरूरतों को पूरा करती। धनीराम के कहते ही उस सुनहरे खेत के बीचों बीच एक बड़ी दाढ़ी वाले तपस्वी प्रकट होकर कहते हैं, धनीराम मेरे निकट आओ। धनीराम तपस्वी के पास आकर हाथ जोड़कर कहता है, हे साधु महाराज, आप कौन हैं? कृपा करके अपना परिचय दें। मैं एक तपस्वी हूँ, जिसे धरती के कर्ता धर्ता ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी ये दाढ़ी इसी पल चमकदार सोने की जादुई दाढ़ी में परिवर्तित हो जाएगी, जो वैसे तो साधारण दाढ़ी रहेगी, पर जब तुम्हें इसकी सहायता की जरूरत पड़ेगी तो ये सोने की लंबी और बड़ी दाढ़ी में बदल जाएगी और तुम्हारी मांगों की पूर्ति करेगी। तपस्वी का वरदान सत्य में बदल जाता है, जिसके साथ धनीराम के चेहरे की दाढ़ी सोने की जादुई दाढ़ी में बदल जाती है। तभी तपस्वी गायब हो जाता है और धनीराम कहता है, अरे वाह, मेरी दाढ़ी सोने की जादुई दाढ़ी में बदल गई है। जादुई सोने की दाढ़ी, फिर से अपने साधारण रूप में आ जा। धनीराम खुश होकर घर आ जाता है और सोहन कहता है, अरे क्या बात है भैया, तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है? कोई खजाना हाथ लगा है क्या? हाँ, अब धनीराम सचमुच का धनीराम बन चुका है। मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। ऐ मेरी दाढ़ी, जल्दी से सोने की लंबी जादुई सोने की दाढ़ी में बदल जा। धनीराम के कहते ही उसकी दाढ़ी जादुई सुनहरे सोने के रंग की लंबी दाढ़ी में बदल जाती है। अरे वाह भैया, तुम्हारे चेहरे पर तो सोने की खेती उपज गई। काश के हम दोनों की दाढ़ी भी ऐसे ही जादुई सोने की दाढ़ी में बदल पाती। धनीराम अपने सोने की जादुई दाढ़ी के सबसे अंतिम हिस्से को थोड़ा सा काट कर अपने दोनों भाइयों को देकर कहता है, ये लो मेरी इस जादुई सोने की दाढ़ी को, जैसे ही तुम अपनी दाढ़ी में लगाओगे तुम्हारी दाढ़ी भी सोने की जादुई दाढ़ी में बदल जाएगी। दोनों ऐसा ही करते हैं और जैसे ही सोने की दाढ़ी उनके साधारण दाढ़ी में जा लगती है, अगले ही पल उन दोनों की दाढ़ी भी लंबी और चमचमाती सोने की जादुई दाढ़ी में बदल जाती है। ये देख तीनों खुश होकर कहते हैं, चलो इस सोने की जादुई दाढ़ी से कुछ मांग कर देखते हैं। ओ मेरी जादुई सोने की दाढ़ी, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे। धनीराम के कहते ही दाढ़ी के आखिरी हिस्से से ढेर सारे सोने के सिक्के बरसने लगते हैं। ये देखकर कविता कहती है, अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया, इतने सारे सोने के सिक्के, हमारे तो दिन पलट गए। तीनों ही अपने सोने की दाढ़ी से सोना मांगते हैं और उनकी सोने की दाढ़ी उन्हें ढेर सारे सोने देती है और फिर एक नॉर्मल दाढ़ी बन जाती है। सोने की दाढ़ी से मिले सोने के सिक्कों को बेचकर वो एक बड़ा सा घर खरीद कर ठाट बाट से रहने लगते हैं। ये खबर जैसे ही लाला के पास पहुंचती है, वो उनके पास आकर कहता है,
अरे वाह धनी राम, तेरी किस्मत ही पलट गई। तू भीखू राम से सचमुच का धनी राम तू बना कैसे? अब तो नाई का काम भी छोड़ दिया। पहले तो लोगों की बाल दाढ़ी काट कर ही तेरा घर चलता था। क्या राज है, है? जादुई जिन्न हाथ लग गया है क्या? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुमने जो पैसे मुझे दिए थे उनके दुगने रकम ये रहे, इसे लो और चलते बनो। लाला उन पैसों को लेकर चल पड़ता है और खुद से कहता है, ये धनी राम जरा अमीर क्या हुआ, इसके तो बोलने के सुधी बदल गए। पता लगाना होगा कि इसके अमीरी का आखिर कारण क्या है। षड्यंत्र रचकर लाला रात होने पर दबे पांव उसके घर के पीछे आकर छुप जाता है और सन्नाटा छाने पर वो उसकी खिड़की से अंदर झांकता है, जहां तीनों भाइयों की दाढ़ी सोने की लंबी दाढ़ी में बदलकर दाढ़ी के पूंछ से सोने के सिक्के निकाल रहे थे। ये देख लाला कहता है, सोने की जादुई दाढ़ी, अच्छा तो इनके गंगू तेली से राजा भोग में बदलने का राज इनके चेहरे की खेती है, कल देखता हूँ इन्हें। अगले दिन लाला अपने दो आदमियों के साथ आकर तीनों भाइयों को धमकाते हुए कहता है, धनी राम के बच्चे बोल अपनी दाढ़ी को कि सोने की जादुई दाढ़ी में बदलकर मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे। इसे हमारी सोने की जादुई दाढ़ी का राज कैसे पता चला? लगता है इसने हमें सोने की जादुई दाढ़ी में देख लिया है। जल्दी से अपने अपने जादुई दाढ़ी से सिक्के निकालो, वरना मेरे खली जैसे मुस्तंडे तुम्हारा हाल बिगाड़ देंगे। ए जादुई सोने की दाढ़ी, जरा इनको सबक तो सिखा। धनी राम के कहते ही उसकी जादुई सोने की दाढ़ी एकदम लंबी और बड़ी होकर लाला का गर्दन लपेट लेती है और उसे चारों ओर चक्कर लगाकर पेड़ पर टांग देती है। ये देखकर दोनों गुंडे भागने लगते हैं। तभी सोहन और मोहन की दाढ़ी भी सोने की जादुई दाढ़ी में बदलकर उन्हें अच्छा सबक सिखाती है और धनी राम कहता है, क्यों लाला, कैसा लगा हमारा जादुई सोने की दाढ़ी का जादू? ये सोने के सिक्के देने के साथ तुम जैसे को सबक सिखाना भी जानती है। किसी ने सही कहा है, दूसरों के धन पर लालच करना बुरी बात है। विकलांग बहु पर अत्याचार। चारों तरफ से शहनाई बज रही थी, बहुत ही खुशी का अवसर था। शिवांगी घूंघट ओढ़कर मंडप में बैठी हुई थी कि तभी पंडित कहता है, अब वर और वधू दोनों फेरे लेने के लिए खड़े होंगे। पंडित के कहते ही शिवांगी अपने पति रोहित के साथ फेरे लेने के लिए खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में उनकी शादी संपन्न हो जाती है और रोहित उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां उसका गृह प्रवेश होता है। तभी रोहित की माँ माया कहती है, देखो तो जरा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी बहू, अरे नजर न लगे किसी की। माया अपनी बहू का स्वागत करती है और उसे रोहित के कमरे में छोड़ आती है। कुछ ही देर में रोहित आता है, देखो शिवांगी, मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। वादा करो कि कभी भी मेरी माँ को कोई दुख या तकलीफ नहीं होने दोगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी माँ का आपसे भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। शिवांगी की बात सुनकर रोहित बहुत खुश होता है और कमरे की लाइट बंद करके अपनी सुहाग रात अच्छे से मनाता है। अगले दिन सुबह शिवांगी रसोई में चाय बनाती है और अपनी सास माया को देने जाती है। माँ जी उठ जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। अरे बेटी, तूने बहुत ही अच्छा किया जो तू आ गई। अब जरा मुझे अलमारी से एक पुराना कपड़ा निकाल कर दे दे, ये महीने की बीमारी बहुत परेशान कर रही है। माँ जी आप कपड़ा इस्तेमाल मत कीजिए, मैं आपके लिए सैनिटरी नैपकिन लेकर आती हूँ। शिवांगी अपने कमरे से सैनिटरी नैपकिन लाकर माया को दे देती है, जिसके बाद माया की परेशानी कम हो जाती है। माया शिवांगी की समझदारी से बहुत खुश होती है और अपनी सभी सहेलियों से शिवांगी की बहुत तारीफ करती है। ऐसे ही धीरे धीरे शिवांगी की शादी को पूरे 2 साल हो जाते हैं। एक दिन रोहित अपनी माँ माया के पास जाता है और उससे कहता है, माँ बहुत दिन हो गए हैं, मैं शिवांगी को कहीं घुमा कर नहीं लाया हूँ। मैंने शिवांगी के साथ हिमालय जाने का प्लान बनाया है। बेटा ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा, जाओ मेरी तरफ से तुम्हें पूरी परमिशन है। रोहित बहुत खुश हो जाता है और शिवांगी को लेकर अपने साथ हिमालय के टूर पर चला जाता है, जहां वो बहुत एंजॉय करते हैं। शिवांगी वहां रोहित से केबल कार झूले पर झूलने के लिए कहती है, सुनिए जी मुझे इस केबल कार झूले पर झूलना है, क्या आप मेरे साथ इस पर झूलना चाहोगे? अरे नहीं शिवांगी, अगर तुम्हारा झूले पर झूलने का मन है तो तुम झूलो, क्योंकि मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है। रोहित की बात सुनकर शिवांगी अकेले ही केबल कार झूले पर झूलने चली जाती है।
शिवांगी को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन तभी अचानक से केबल कार झूले की रस्सी टूट जाती है, जिसके बाद झूला नीचे गिर जाता है। कई लोग जख्मी हो जाते हैं और सभी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां शिवांगी भी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। डॉक्टर रोहित के पास आकर कहते हैं, देखिए ये बहुत ही बुरी खबर है, आज के बाद आपकी पत्नी अपने पैरों पर कभी नहीं चल पाएगी। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, लेकिन ये सुनकर रोहित का बहुत बुरा हाल हो जाता है, वो रोने लगता है। जब वो शिवांगी की ये हालत देखता है तो वो कुछ कह नहीं पाता। कुछ दिन बाद वो हिमालय से वापस घर लौट आता है और रोते हुए अपनी माँ को शिवांगी के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। उसके बाद शिवांगी की दोनों टांगे खराब हो गई, अब वो कभी चल नहीं पाएगी। तभी शिवांगी बैसाखी का सहारा लिए माया के पास चलती हुई आती है। शिवांगी की ये हालत देखकर एक पल को माया का दिल पसीज जाता है। तू चिंता मत कर बहू, शुक्र है भगवान ने तेरी जान बचा दी और तुझे कुछ नहीं हुआ। उस दिन के बाद से घर की सारी जिम्मेदारी माया के ऊपर आ जाती है, जिसके बाद माया बहुत ही चिड़चिड़ी हो जाती है और इस वजह से वो शिवांगी के ऊपर अत्याचार करने लगती है। यहाँ तक कि वो नौकरानी को घर से निकाल देती है और सारे काम बेचारी अपाहिज शिवांगी से करवाती है। इस लंगड़ी बहू का मैं क्या करूंगी, ये यहाँ से चली गई तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी और एक अच्छी सी बहू ले आऊंगी। उस दिन शिवांगी रसोई में रोटियां बना रही थी, तभी माया वहाँ आती है। कलमू ही कहें कि तू तो पूरी मनहूस निकली, ऊपर से ये काली जली हुई रोटियां बना रही है, क्या तुझे रोटियां बनानी भी नहीं आती? माँ जी, मैंने तो अभी तक एक भी रोटी नहीं जलाई, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जबान लड़ाएगी? माया गुस्से में शिवांगी का हाथ तवे पर रख देती है। शिवांगी का हाथ बुरी तरह से जल जाता है और वो रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा से आपसे कुछ नहीं कहूंगी। माया दिन रात शिवांगी पर अत्याचार करने लगती है। कभी वो माया को सीढ़ियों से गिरा देती तो कभी बर्तन धोते हुए उसकी कमर में लात मार देती। एक दिन वो अपने कमरे में अपने आप से कहती है, कितनी बेशरम है ये शिवांगी, मैंने इसे घर से निकालने की कितनी कोशिश की लेकिन ये इतनी ढीठ है कि घर से निकलना ही नहीं चाहती। ये सब शिवांगी कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई सुन लेती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपने कपड़े पैक करके बिना किसी को बताए अपने घर के लिए निकल जाती है। जब ये बात माया को पता चलती है तो वो अपने बेटे से कहती है, अरे अच्छा हुआ जो खुद भाग गई, वैसे भी अब वो हमारे किसी काम की नहीं थी, मैं तेरी एक अच्छी सी लड़की से शादी करूंगी। रोहित, तू चिंता मत कर, मैं इस घर में एक और बहू लेकर आऊंगी। ये कहकर माया रोहित की दूसरी शादी करवा देती है, लेकिन रोहित उस लड़की के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो शिवांगी से बहुत प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ माया को अचानक से ओमिक्रोन नाम की बीमारी हो जाती है, जिसका पता चलने के बाद रोहित की दूसरी पत्नी उन्हें छोड़कर चली जाती है। एक दिन माया बिस्तर पर पड़े हुए शिवांगी का नाम पुकारने लगती है, शिवांगी शिवांगी शिवांगी। माया वो दिन याद करने लगती है जब शिवांगी हर दुख तकलीफ में उसका साथ दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ रोहित से ये सब देखा नहीं जाता और वो शिवांगी को कॉल करता है। शिवांगी, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, उन्हें ओमिक्रोन नाम की बीमारी हो गई है और वो पल पल तुम्हें याद कर रही है। तुम चिंता मत करो जी, मैं आज ही वापस आ जाती हूँ। शिवांगी वापस रोहित के घर आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास माया का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और खुद भी अपने मुंह पर मास्क लगा कर रखती है और रोहित को भी लगवा देती है, जिसके बाद दिन रात एक करके शिवांगी अपनी सास माया को बिल्कुल पहले की तरह ठीक कर लेती है। ठीक होने के बाद माया शिवांगी से कहती है, मैं एक बहुत ही मूर्ख औरत हूँ, मुझे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान नहीं है, अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है मुझे उसका बहुत पछतावा है। मैं जानती हूँ बेटी, मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, आप मेरी माँ हो और आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। शिवांगी की बात सुनकर माया बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। उसके बाद माया एक दिन शिवांगी को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसके पैरों का इलाज करवाती है।
जिसके बाद शिवांगी पहले की तरह चलने लगती है। अब शिवांगी अपनी सास माया और अपने पति रोहित के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। काली वर्सेस गोरी जुड़वा बहने। सुंदरपुर नाम का एक समृद्ध गांव था, जहां जानकी और आलोक नाम के एक दंपत्ति अपनी जुड़वा बेटियों रागिनी और साधना के संग रहते थे। जहां साधना का गोरा चिट्टा रंग और सुंदर नया नक्श था, तो उसी के विपरीत रागिनी एकदम काली भद्दी बदसूरत दिखाई पड़ती थी। फिर भी दोनों बहनों के बीच काफी गहरा प्यार था। एक साथ खेलना कूदना, एक ही थाली में खाना खाना, एक ही बिछौने पर सोना। ईश्वर की दया से अब तक हमारी जुड़वा बेटियों में काले गोरे रंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। जानकी भले ही इनका शरीर दो है, लेकिन है तो ये जुड़वा बहने ही, तो क्या हुआ जो ये काली और गोरी है। गुजरते दिनों के बाद दोनों बहनें स्कूल जाने के लायक हो जाती हैं। रागिनी दीदी, हमें खेल खेलते हैं, तुम स्कूल तक मेरा बस्ता उठाकर ले चलना और मैं तुम्हारा। हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। मेरी राजकुमारियों, आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन है, दही चीनी खाकर जाओ और एक दूसरे से प्यार से पेश आना। दोनों बहनें हाथ पकड़े गांव के बीचों बीच से दौड़ती हुई स्कूल चल पड़ती हैं। गांव में रहने वाले लोग उन्हें देख आपस में बातें करते हैं। अरे लखन, वो देख, अरे काले गोरे हंसों का जोड़ा चला आ रहा है। अरे धीना भाई, एक बात मेरे मन में हमेशा खटकती है, इन काली गोरी जुड़वा बहनों का होलिया एकदम पूरब और पश्चिम के दोहरा एक जैसा है, फिर ये जुड़वा कैसे हो सकती है। वैसे सच कहूँ तो आलोक भाई और भौजाई में सिर्फ गोरी साधना ही मेल खाती है। क्या पता इस अमावस के काले चांद कब किसी कचरे के ढेर से उठा लाए हो। मुझे तो इनके जुड़वा होने के पीछे बड़ा झोल लगता है। उनकी भड़काऊ बात गोरी साधना के मन में घर कर जाती है। वो अपनी काली बहन रागिनी से हाथ झटक कर आगे बढ़ जाती है। साधना सुन, तू ऐसे भाग क्यों रही है? अपनी ये काली परछाई लेकर दूर हटो मुझसे। गांव वाले सच कह रहे हैं, तुम्हारा ये काला पक्का रंग देखकर कौन कहेगा कि तुम मेरी जुड़वा बहन हो। उस रोज से दोनों बहनों के गहरे रिश्ते में फूट पड़ जाती है। जब भी रागिनी साधना से बात करने की कोशिश करती, घमंडी साधना नाक सिकोड़कर वहां से चली जाती। ये देखकर जानकी अपने पति से कहती है, पता नहीं कुछ दिनों से साधना का रवैया एकदम बदला बदला सा लग रहा है। वह रागिनी से सीधे मुंह बात करना तो दूर, उसे एकदम कटी रहती है। जानकी तुम चिंता मत करो, मैं जाकर साधना से बात करता हूँ। आलोक दरवाजा खटखटाकर अंदर चला आता है। अरे गुड़िया, तेरी और रागिनी में कोई अनबन हुई है क्या? अच्छा, तो अब उस काली कमली रागिनी ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं। साधना की बात करने का बिगड़ा अंदाज देख आलोक बौखलाकर साधना को एक तमाचा जड़ते हुए कहता है, अपनी जुड़वा बहन के प्रति इतनी कड़वाहट तुम्हारे मन में कब से पैदा हो गई? जब से मुझे पता चला है कि रागिनी मेरी जुड़वा नहीं, और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि वो काला टीका मेरी जुड़वा बहन कभी नहीं हो सकती। साधना, गांव वालों की कानाफूसी की आदत है, कानों से सुनी गई बातों पर नहीं बल्कि आंखों देखी पर भरोसा करना चाहिए। बिटिया यकीन मानो, मैंने तुम दोनों को अपनी ही कोख से जना है, तुम जुड़वा बहने हो। हर एक दिन के साथ दोनों बहनों के बीच काले गोरे रंग की गहरी खाई बढ़ती चली जाती है। उम्र के पड़ाव के साथ दोनों बहनों का कॉलेज जाना शुरू हो जाता है। जहां एक ओर रागिनी सादगी पसंद करती थी, तो वहीं दूसरी ओर साधना एकदम मॉडर्न जमाने के अवतार में दिखाई पड़ती थी। तड़के सुबह साधना शीशे के आगे खड़ी होकर तैयार हो रही थी, तभी गोरी साधना उसे खरी खोटी सुनाकर कहती है, अरे ओ बहन जी, ये कैसा बेढंग भड़कीला कपड़ा पहना है तूने? एक तो तेरा ये काला पक्का रंग, ऊपर से चॉकलेटी कलर का सलवार कमीज लटका लिया, खबरदार जो मेरे संग कॉलेज जाने की कोशिश की। तभी कमरे में जानकी आकर कहती है, साधना ये कोई तहजीब है अपनी जुड़वा बहन से बात करने की? माँ आपको भूलने की बीमारी है क्या? मैं पहले ही साफ कह चुकी हूँ कि इस काली स्याही से मेरा कोई वास्ता नहीं, ना ये मेरी जुड़वा बहन है। घमंडी साधना का रूखा अंदाज देखकर जानकी के सब्र का बांध टूट पड़ता है और वो कहती है, ये तू नहीं बल्कि तेरे गोरे रूप का गुरूर बोल रहा है। क्या तूने कभी ये सोचने की कोशिश की कि तेरे ये कड़वे शब्द तेरी जुड़वा बहन रागिनी के कलेजे को कैसे चल्ली करते हैं? माँ जाने दीजिए, बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। रागिनी को ऐसा कहते देख खड़ूस साधना उसके बाल खींच कर कहती है, अपनी ये झूठी हमदर्दी अपने पास रख, दो धारी तलवार काली कलूटी जैसा तेरा ये काला रंग है, वैसे तेरा दिल भी एकदम काला मैला है। मेरे माँ बाप को तो मुझसे छीन ही चुकी है तू, ये षड्यंत्र इसलिए रच रही है ना क्योंकि तुझे मेरे गोरे रंग रूप से जलन है। साधना अपने गोरे रूप का बखान करती हुई अपने गुस्से का गुबार रागिनी पर बरसाकर तोड़फोड़ मचाती हुई पैर पटक कर कॉलेज निकल जाती है। अब साधना की ये ज्यादतियाँ मुझसे और सहन नहीं होती, मुझे डर है कि कहीं सच्चाई मेरे मुंह से निकल ना जाए। गुड़िया, गलती से भी ये ख्याल अपने मन में ना लाना,
वरना इस घर परिवार को आने वाले बड़े सैलाब से कोई नहीं बचा पाएगा। हर गुजरते दिन के साथ साधना अपने गोरे रूप का गुमान दिखाकर रागिनी का जीना दूभर करती है। कुछ ही दिनों में दोनों जुड़वा बहनों का 21वां जन्मदिन आता है। जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां मेरी बच्चियों, आज तुम्हारे जन्म अवसर पर ऐसा जश्न होगा कि सभी दंग रह जाएंगे। मैं अपना जन्मदिन इस काली बदसूरत के साथ हरगिज नहीं मनाऊंगी। इस साल तुम्हारी एक नहीं चलेगी साधना, समझी? पिताजी, आज खुशी का दिन है, अगर साधना को मेरा आसपास रहना खलता है तो मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। मेरी जुड़वा बहन की खुशी में ही मेरी खुशी है। घर के तमाम कोनों को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया जाता है। धूमधाम के साथ साधना बर्थडे केक काटती है, तभी एक बूढ़ी भिखारन दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। रागिनी बिटिया, तू दूर क्यों खड़ी है, तू भी शामिल हो? आलोक केक का निवाला उठाकर जैसे ही रागिनी को खिलाता है, अकड़ू साधना गुस्से से तिल मिलाकर केक उठाकर रागिनी के मुंह पर पोतकर भड़ास निकालती हुई कहती है, जानबूझकर इस कलूटन ने रंग में भंग डाला। मेरी खुशी तुझ काली कमली को रास नहीं आती ना, अनाथ कहीं की मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप पर अधिकार जमाती है। बस साधना, ये तुमसे पहले मेरे माता पिता हैं। तभी बूढ़ी भिखारन एंड मौके पर आकर चौका मारती है। अरे तुम दोनों तो वही नेक इंसान हो ना, जिसने सालों पहले अस्पताल के बाहर कूड़े के खत्ते से उस रोती बिलकती अनाथ गोरी बच्ची को उठाया था। ये सुनकर साधना भौचक्की रह जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ, पिताजी, ये क्या कहना चाहती है? कुछ नहीं बिटिया, तू इसकी बात पर गौर मत कर। आप सभी की हकलाती जुबान साफ बयां कर रही है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। आपको मेरे सर की कसम है, सच बताइए। साधना, ये सच है कि तुम दोनों जुड़वा बहने नहीं हो, लेकिन जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया वो रागिनी नहीं, तू है साधना। ये सुनकर साधना की आंखों से आंसुओं की बौछार बरस पड़ती है और वो बेसुध होकर जमीन पर बैठ जाती है। साधना, तो क्या हुआ जो हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं, फिर भी तुम मेरी ही बहन हो। मुझसे दूर रहो रागिनी दीदी, मैंने तुम्हारे काले रंग को लेकर हमेशा तुम्हें जली कटी सुनाई। मुझ जैसी घमंडी लड़की को तुम्हारी बहन कहलाने का कोई हक नहीं। अक्सर झगड़े वही होते हैं जिस रिश्ते में बेशुमार प्यार हो। चलो बीती बातें भूलकर नए सिरे से शुरुआत करते हैं। इस तरह अंत में दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर नई शुरुआत करती हैं, फिर से एक थाली में खाना खाती, एक बिछोने पर सोती और एक साथ कॉलेज जाया करती हैं। सोना चुराने वाली चुड़ैल सास बहू। रात के घनघोर अंधेरे में दो चुड़ैलों का साया अजमल खां गांव में घुस आता है। सभी इस समय नींद में हैं। ये सही मौका है हाथ साफ करने का। और ये मंदबुद्धि चुड़ैल ज्यादा शोर मचाएगी तो चील कौवे हमारे चारों ओर मंडराने लगेंगे, फिर गांव वालों को शक हो जाएगा कि हम यहाँ चोरी के इरादे से आई हैं। वो दोनों चुड़ैल सिर से पांव तक सोने के गहनों से लदी हुई थी। फिर वो चुड़ैल एक खिड़की के अंदर झांकते हुए कहती है, अरे ओ मेरी सड़ी गली खोपड़ी वाली बहू, वो देख तिजोरियां नजर आ रही हैं, जरूर इसमें सोने के जेवरात होंगे। फिर देरी किस बात की सासू माँ। दोनों चुड़ैल खिड़की से अंदर घुस आती हैं, जहाँ बिस्तर पर कादम्बरी गहरी नींद में सोई हुई खर्राटे मार रही थी। सासू माँ, इसके खर्राटे तो हमें चैन से चोरी ही नहीं करने देंगे। चुड़ैल जैसे ही तिजोरी खोलती है उसमें अनेकों चमचमाते सोने के गहने भरे होते हैं। आज तो हम सास बहु चुड़ैलों की लॉटरी ही लग गई, एक साथ इतना सारा सोना तो मेरी आंखों में ही नहीं समा रहा। चुड़ैल सोने के सिक्कों की चोरी करके हवा के झोंके के साथ उड़ती हुई अपने टूटे फूटे खंडहर पड़े घर में आती है, जहां सभी कोने में मकड़ियों के जालों के साथ चमगादड़ की टोली शोर मचा रही थी। घर के अंदर एक बड़ा सा संदूक रखा होता है। अरे ओ चुड़ैल, अपना नाच प्रदर्शन बाद में करना, जल्दी से इन गहनों को संदूक में छुपा दे। सासू माँ, ये सोने का नौ लक्का हार तो मुझे बा गया है, पहन कर देख तो लू। ये सुनकर कोकिला चुड़ैल उसको जोरदार कंटाप मारकर कहती है, मेहनत करूं मैं और फल खाए तू। अरे दादा, कैसी कट्टर सास है मेरी, सोने के पीछे अपनी हीरे जैसी चुड़ैल बहू को बेरहमी से सूद डाला। अगली सुबह कादम्बरी घर का बिखरा हाल देखकर चौखट पर बैठी छाती पीटते हुए कहती है, अरे दादा, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। गांव के सभी लोग कादम्बरी के पास आकर कहते हैं, अरे क्या हो गया कादम्बरी मौसी, क्यों सवेरे सवेरे गला फाड़ रही हो? का बताएं महेश बिटवा, कल रात न जाने कौन निपुत्रा चोर हमारे घर में घुसकर चोरी कर गया, सारे सोना लूट ले गया, आग लगे होके। सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं,
लेकिन हर दिन के साथ गांव में सोने की चोरी की वारदात बढ़ती ही चली जा रही थी। एक रात दोनों चुड़ैल गांव में कदम रखती हुई कहती हैं, आज कौन से घर पर धावा बोलना है सासू माँ? बहुरिया, ये मोटे पेट वाला तो वही सुनार है ना, जिसकी सोने की दुकान गांव से बाहर है। हाँ, ये सुनार बहुत माला माल है, क्यों ना आज इसको कंगाल बना दे। दोनों चुड़ैल अंदर घुसकर पूरे घर को छानबीन करने लगती हैं। सासू माँ, पूरा घर छान मार लिया, एक भी सोने का गहना नजर नहीं आ रहा। अरे सही से देख आलसन चुड़ैल, जरूर इस सुनार ने किसी खुफिया जगह सोने के गहने छुपाए होंगे। दोनों चोर चुड़ैल की निगाह दीवार की ताजी सीमेंट पर जाती है। इतना आलिशान घर में आखिर ये दीवार इतनी गीली क्यों है? जरूर इस सुनार ने वहाँ खुफिया तिजोरी बनाकर सोना छुपाया है। चुड़ैल अपने जादू से उस दीवार को खोदती है। वो दोनों चुड़ैल देखती हैं कि वहाँ पर सोने का भंडार है। दोनों चुड़ैल सारा सोना बाहर निकालती है। अरे सासू माँ, बुढ़ापे के साथ आपकी अकल भी घटती जा रही है, जल्दी करो, अगर ये सुनार जाग गया तो हमारा शिकार कर डालेगा, पकड़ी जाएंगी हम। दोनों चुड़ैल सोने के जेवर को बटोर कर अपने खंडहर घर में आकर उन्हें संदूक में रख कर कहती हैं, आखिरकार हमारी हर दिन की चोरी रंग ले आई। चुड़ैल सास बहू की टोली अजमल खां गांव में सबसे अमीर हो चुकी है। मेरी मंदबुद्धि चुड़ैल बहू, भले ही तू सोने के पीछे थोड़ा लालची है, पर है तू बड़े काम की चीज। हमने उस सुनार को अच्छा चकमा दिया। कहावत नहीं सुनी आपने, सौ सुनार की एक लोहार की। दोनों चोर चुड़ैल सोने से भरे संदूक पर पसर कर पूरी रात बतियाती हैं। कुछ घंटे गुजरने के बाद सवेरा होते ही सूरज आसमान में चढ़ाता है। अरे ये रात कब होगी? सूरज डूबेगा तभी तो रात आएगी ना सासू माँ। सूरज डूबने के साथ चांद आसमान में उजागर होता है। वो पूर्णिमा की रात थी, चांद अपने पूरी रोशनी में था, जो पूरे अजमल खां गांव पर अपनी चमक उजागर कर रहा था। एक तो एकदम अजूरिया रात है, हवा भी एकदम मस्त चल रही है, अब तो मैं द्वार पर ही खटिया बिछा कर सोऊंगा। जहाँ पूरा गांव नींद में था, वहीं दोनों चुड़ैल स्वर्णा के घर सोने की चोरी कर रही थी। आरी ओ मूर्ख सासू माँ, सारा सोना आज ही हजम करने की ठान कर आई हो क्या? चलो। हाँ हाँ, चल चल चल। चोर चुड़ैल दबे पांव जमीन पर चलने लगती है। तभी उनके पांव में बंधे सोने के पायलों की छम छम गांव में गूंज उठती है कि अचानक सूरज की आंख खुलती है। अरे ये कौन आधी रात घुंघरू छनका रहा है? उसकी नजर कंधे पर पोटली धरे भाग रही चुड़ैल पर जाती है। अरे बाप रे, सोने के इतने आभूषण अजमल खां गांव के तो भाग चमक गए, साक्षात लक्ष्मी मैया दर्शन देने आ गई। नींद में होने की वजह से सूरज को सब कुछ धुंधला दिखाई पड़ रहा था। फिर जैसे ही वो आंखें मलता है, चुड़ैल को देखकर कहता है, अरे दादी ये तो चुड़ैल है, अरे इसका मतलब गांव में हो रही सोने की चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये चुड़ैल है। सुबह होते ही वो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है। सूरज, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अरे मुँह में दही जमा लिया है का? कछु बोलते का है नहीं? अरे गांव में सोने की चोरी करने वाले का पता चल गया। वो चोर किस गांव का रहने वाला है, बता सूरज। अरे वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है, अरे दो चार चुड़ैल ही सभी के घरों में सोना चुरा रही हैं। तो एक चुड़ैल मुझको सुनार से भिखारी बना गई, धत्तेरी। जैसे पुराने जमाने में लोग घर के जमीन में सोना गाड़ कर रखते थे, हमको बचे हुए सोने को घर की जमीन में गाड़ना होगा। आज रात वो चुड़ैल चोरी के मंसूबे से दोबारा जरूर आएगी, आने दो उसे। सभी गांव वाले चुड़ैल को आता देख घरों की छत पर कुछ पेड़ों के पीछे तो कुछ पेड़ों के ऊपर छुप जाते हैं। तभी चुड़ैल कदम रखकर कहती है, आज एक बार में ही सारे सोने की सफाई करके ही जाएंगे। लेकिन आज सभी घर खाली क्यों है और इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? चुड़ैल गांव के प्रत्येक घरों को छान मारती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। लगता है ये गांव वालों की कोई चाल है। दोनों चुड़ैल विशाल अवतार धरकर मुंह से आंधी उगलने लगती। गांव का माहौल एकदम भयानक होने के साथ आसमान एकदम लाल हो जाता है। सभी पेड़ बेधड़क गिरने लगते हैं कि गांव के लोग बाहर निकलकर कहते हैं, रुक जा चुड़ैल, बस बहुत हुआ, इस गांव का सारा सोना हड़पकर पहले ही अजमल खां के लोगों को गरीब बना चुकी है, अब क्या लेने आई हो? हम जानते थे कि ये तुम्हारी ही साजिश थी। सोना चुराने का बड़ा शौक है ना तुम चुड़ैलों को, आज सोना खिलाकर तुम्हें मौत के घाट उतारता हूँ। कोई फायदा नहीं होने वाला। दोनों चुड़ैल बौखलाकर सभी को इधर उधर फेंकने लगती हैं।
हम हार नहीं सकते। इन चुड़ैलों को मशाल की लौ से घेरना होगा। उठो गांव वालों, ये समय कमजोर पड़ने का नहीं है। सभी मशाल की लौ से चुड़ैल को गोल घेरे में कैद करके कहते हैं, बता क्यों कर रही है तू सोने की चोरी? बताती हूँ, हम दोनों सास बहू हैं। अकाल मृत्यु के बाद हमारी आत्मा मुक्त नहीं हो सकी। हम धरती पर दर दर भटकने लगी। एक दिन हम भूख से चटपटा रही थी तो हमारी नजर इस गांव की एक औरत पर पड़ी जिसने सर से पांव तक सोने के जेवर पहने थे। हमने उसके जेवर छीन कर उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। और फिर चमचमाते सोने के जेवर पहनना हमारा बड़ा शौक बन गया, इसलिए हम सोने की चोरी करने लगे। आज हम तुम्हारी कहानी खत्म कर देंगे। नहीं रुको, हमको मत जलाओ, हम तुम्हारा सोना लौटा देंगे। हम भला एक चुड़ैल का यकीन क्यों करें? हमें सिर्फ सोने के गहनों का लालच है। अजमल खां गांव से 2 कोस दूर एक खंडार है, उस घर के संदूक में तुम सभी के जेवर पड़े सुरक्षित हैं। हम वादा करती हैं इस गांव से कहीं और चली जाएंगी। गांव वाले चुड़ैल को रिहा कर देते हैं और सवेरे चुड़ैल के दिए पते पर पहुंचकर सोने से भरे संदूक को अपने गांव ले आते हैं जिसमें चोरी का सारा सोना जब्त था। सभी के सोने उन्हें मिल जाते हैं और एक बार फिर गांव सुखद तरह से रहने लगता है।